एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरा और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर वार किए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर का इतना रेट पहली बार बढ़ा है। एलपीजी के दाम इतिहास में पहली बार इतने ज्यादा बढ़े हैं, पहली बार। और जब मोदी जी ने सरकार संभाली थी उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर पेट्रोल की जो कीमत थी वो $129 पर बैरल थी। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा की आलोचना की है। पहले आशुतोष, फिर राघव चड्ढा और उसके बाद संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरते हुए उनके नीतियों की आलोचना की है। चुनाव के पहले तो मोदी जी कहते थे कि अब की बार क्या कहते थे, बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब से ये सरकार आई है आप लगातार देख रहे हैं कि महंगाई के मसले पर अगर किसी एक आदमी की कमर टूट रही तो वह आम आदमी लगातार। और अभी हाल में जिस तरीके से खासकर दो मसलों पे, बल्कि मैं कहूं तीन मसलों पे, एलपीजी के दाम इतिहास में पहली बार इतने ज्यादा बढ़े हैं, पहली बार। और जब मोदी जी ने सरकार संभाली थी उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर पेट्रोल की जो कीमत थी वो $129 पर बैरल थी। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो $53 पर बैरल है, यानी तकरीबन $75 कम हुआ है। उसके बावजूद भी आज दिल्ली के अंदर पेट्रोल ₹71 प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है, जबकि कायदे से 30 या ₹40 होने चाहिए। नोटबंदी की आर्थिक अराजकता इस देश में लागू करने के बाद, जिसमें मजदूर का काम छिन गया, किसान की जान चली गई, उसको दाम नहीं मिल रहे और कई लोग जो लाइनों में खड़े उनके प्राण छीन लिए गए, उसके बाद एक और प्रहार मोदी सरकार ने अभी हाल ही में करा। 1 मार्च से, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम ₹86 से बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि रसोई गैस सिलेंडर अब ₹737 में मिला करेगा। ये पिछले 30 दिन में दूसरी बारी इन लोगों ने रेट बढ़ाए हैं मोदी सरकार ने। पहली बारी इन्होंने 1 फरवरी को बढ़ाए थे और अब 1 मार्च से ₹86 बढ़ा दिए हैं। और जो इस बार बढ़ोतरी करी है, इजाफा करा है ₹86 का, ये आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा इजाफा है। कि भाजपाई और आरएसएस के लोग देश का माहौल बिगाड़ने के लिए अपने कुछ लड़कों के माध्यम से पहले राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़े करते हैं, महिलाओं को पीटते हैं, प्रोफेसर्स को मारते हैं, महिला प्रोफेसर्स के साथ बदतमीजी करते हुए उनके नेताओं के फोटो और वीडियो आते हैं। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी आईएसआई एजेंटों की पार्टी है, इसको राष्ट्रभक्ति के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसकी सरकार ने कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया था, ये वो पार्टी है जिसने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया था, ये वो पार्टी है जिसने आईएसआई के अधिकारियों को भारत की धरती पर बुलाकर पठानकोट की जांच करवाने का काम किया था, ये वो पार्टी है जिसके नेता नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने पहुंच जाते हैं, ये वो पार्टी है जिसके लोग अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, ये वो पार्टी है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा झंडा नागपुर के मुख्यालय पर नहीं फहराया। आज उन लोगों को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के बारे में बात करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम बुधवार को ₹86 प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने की वजह से ये बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर अब ₹737.50 में मिलेगा। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर उन लोगों को लेना होता है
जिन्होंने गैस सब्सिडी छोड़ दी है या फिर जिनका 14.2 किलो के सब्सिडी शुदा 12 सिलेंडर का कोटा पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।